Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Monday and the time duration is around 12:10 PM in the afternoon. So today I'm going to discuss information regarding the Poland work permit, how to check the legitimacy of this Poland work permit. Apart from that, I just want to discuss about different type of work permits. जैसे तीन टाइप के वर्क परमिट आता है, आपका सीजनल वर्क परमिट आता है, पहला वर्क परमिट तो ये होता है, और दूसरा जो एक आपको नॉर्मल वर्क परमिट आता है वो दो तरीके से फाइल होता है। एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से फाइल होता है, जो आपका जिसमें आपकी स्टैंप लगी हुई आती है, उसके बाद जो अदर होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट होता है। मैं तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो अपॉइंटमेंट आप चेक करते रहें, और इसके अलावा भी मैं अलग कंट्रीज़ के भी वर्क परमिट के बारे में आपको आप इसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, जैसे रोमानिया हो गया, अर्मेनिया हो गया अगर आप यहाँ पर जाते हैं, लैटविया हो गया, तो ये सारी जो प्लेसेस हैं इनके बारे में बताऊँगा जो यूरोप के अंदर ही फॉल करती हैं। अगर आप यहाँ के अप्लाई करते हैं तो थोड़ा इजी प्रोसेस होता है, और देर माइट बी पॉसिबिलिटी आपको वीज़ा मिल जाए, क्योंकि पोलैंड के अंदर अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन रेट आपको बहुत जैसा पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो अभी कोई यहाँ का अप्लाई कर रहा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, उसका रिजेक्शन ही आएगा, दैट इज़ गोना लीड टू रिजेक्शन ओनली, नथिंग एल्स विल गोना हैपन, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, द आउटकम इज नल, पीपल आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर टू गेट द अपॉइंटमेंट, बट दे आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट, द पर्सन हु गॉट द अपॉइंटमेंट, देर आर एन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु गॉट द अपॉइंटमेंट, बट द रिजोल्यूशन वॉज दे गॉट द रिजेक्शन रेट, दे गॉट द रिजेक्शन इन द वीज़ा, सो नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर सम अदर लोकेशन एज वेल। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ। अगर आप इसमें काम करते हैं फिर भी ठीक है, अगर वेट करते हैं फिर भी आपका सिनेरियो सेम ही होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेढ़ साल से जो लोग वेट कर रहे थे उसका आउटकम क्या हुआ, कि या तो आधे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, अपॉइंटमेंट के भरोसे बैठे हैं मैनुअल, और इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग इज जिसको मिल गया तो पेड अपॉइंटमेंट, जिसने परचेज किया तो उसका रिएक्शन आके बैठ रखा है। तो पोलैंड का तो खैर अभी इंटायर प्रोसेस डिफरेंट है, तो अभी अप्लाई करना बेकार है। इसके अलावा जैसे अपना अगर आप कोई सबमिशन करते हैं तो की पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है अपना सबमिशन करने से पहले। जैसे कल की वीडियो में मैंने वही बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बोला था कि रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है और आपका वीज़ा लग ही जाएगा, पर मैंने आपको की पॉइंट्स बताया था, अगर आप सबमिशन करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जिसमें आप रिजेक्शन से बच सकें। जैसे जो 5% लोगों को वीज़ा लगता है उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत तगड़ा रहता है, और उसके अलावा इनका लक पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो रेस्ट 95% ऑफ कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है या कुछ खराबी है, 5 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन देयर लक। अगर उनकी प्रोफाइल पिक हुई है तो उनका वहाँ पर वीज़ा लग जाता है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा जो मैं पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो जो पोलैंड का वर्क परमिट है, सबसे पहले आपका सीजनल वर्क परमिट आता है, 9 महीने के लिए वैलिड रहता है, और अगर इसको लेने में कोई फ़ायदा है नहीं, अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसको मना करें, और आपको जो नॉर्मल वर्क परमिट होता है जिसकी वैलिडिटी 1 से 3 साल तक आपकी होती है वाला आप वर्क परमिट ले सकते हैं। उसमें ऐसा होता है 1 साल का आपका वर्क परमिट मिलता है, 2 साल का मिलता है, 3 साल का मिलता है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अगर वाइजली आप जाना चाहते हैं तो 1 साल का लें, दैट इज़ मोर देन एनफ, वहाँ जाके आपको TRC मिलता है, फिर आप वहाँ जाके रिन्यू कर सकते हैं। इंडिया से प्राइसिंग में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, 1 ईयर इज़ मोर देन एनफ। और इसके अलावा अगर मैं आपको सीजनल वर्क परमिट के लिए बताऊँ तो 9 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है, उसके अंदर आपको अप्लाई भी बहुत शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना पड़ता है उसको, उसमें आप देख सकते हैं उसकी वैलिडिटी कब से कब तक अप्लाई करने की होती है। वैसे गर्मियों में ही निकलता है, वैसे अगर कुछ फार्म वर्क होता है जैसे एग्रीकल्चर वर्क होता है उसके लिए होता है पर्टिकुलर, जैसे गर्मी के टाइम में फार्मिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ के जो लोग हैं नॉन EU सिटीज़न को भी बुलाते हैं, और EU के अंदर भी जो वर्कर होते हैं सीजनल वर्कर उनको भी इन्वाइट करते हैं इसके लिए। जैसे 9 महीने ख़त्म होते हैं फिर आपको छोड़ के जाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं होता अगर किसी को मिल जाता तो फिर वहाँ जाके दोबारा अपना वर्क परमिट रिन्यू करता है। वर्क परमिट रिन्यू करने में ऐसा होता है कि 9 महीने के बाद, 9 महीने के अंदर ही अंदर नया वर्क परमिट वो अप्लाई करता है, नया वर्क परमिट उसको मिलता है, तो फिर वो नॉर्मल 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए भी आपको फिर उसके बाद दोबारा वर्क परमिट मिलता है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल ऐसा होता है कि जैसे TRC का जो आपको प्रोसेस बताऊँ, सीजनल वीज़ा में बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि सीजनल वर्क वीज़ा जो आपका 9 महीने के लिए वैलिड रहता है, 9 महीने का परमिट है, उसमें ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद आप TRC अप्लाई करते हैं, तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपकी TRC 9 महीने के अंदर नहीं आती, तो उस केस में क्या करता क्या होता है कि अगर आप नया वर्क परमिट फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो इसलिए लोग जो सीजनल वर्क परमिट में जाते हैं वो लोग TRC फाइल नहीं करते हैं, सीजनल वर्क परमिट वाले वहाँ जाने के बाद नॉर्मल वर्क परमिट लेते हैं 1 साल वाला, फिर उसके बाद TRC फाइल करते हैं। ऐसे प्रोसेस अपना पूरा आगे फॉरवर्ड करते हैं वो लोग। और सीजनल अगर आपको कोई अभी प्रोवाइड कर रहा तो मत लें, क्योंकि सीजनल का टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, और
कूलेंट का आपको रिजेक्शन सिनेरियो बताइए, क्या सिनेरियो है। अगर कोई सीजनल प्रोवाइड करा तो उसको डायरेक्ट मना करते हैं, उससे बोलें कि नॉर्मल जो आपका वर्क परमिट होता है 1 साल का जो आपका वैलिड रहता है आप उसको प्रोवाइड करें। अगर आपको अलग वर्क परमिट मिलता है वो भी एम्प्लॉयर दो तरीके से आपका फाइल करता है। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें आपका कैप जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपके बिहाफ में ऑफिस में जाकर, बॉयवुडशिप का जो ऑफिस होता है वहाँ ऑफिस में जाके आपका मैनुअली फाइल करता है, अपनी जो फाइल बाय पोस्ट भेजता है वहाँ पर। और उसके बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन मैनुअली या तो वहाँ चले जाता है वाया पोस्ट वो फाइल आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ भेजता है प्रोसेस करने के लिए। और जो इसका रिजल्ट होता है 8 से 12 वीक के अंदर आता है, 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आपका वर्क परमिट आता है तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास वो वाया ईमेल, जैसे जो वाया पोस्ट जैसे आपका डिलीवरी होता है जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, एक जो आपके डॉक्यूमेंट वर्क परमिट उनको उसके जो एड्रेस होता है जो एम्प्लॉयर की कंपनी वहाँ पर पोस्ट होता है, तो उसके बाद फिर आपका जो कंसल्टेंट है उनसे लेके आपको प्रोवाइड करता है। सो 8 से 12 महीने का टाइम, 8 से 12 हफ्ते का टाइम लगता है इसमें, 2 से 3 महीने का पूरा एंटायर प्रोसेस है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, और जो ट्रेडिशनल मेथड वाला आपका वर्क परमिट आता है उसमें ईगल का स्टैम्प होता है और साइन इन सब चीज़ होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग है और जो दूसरा मेन होता है जैसे मोड होता है अपना वर्क परमिट फाइल करने का, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जिसमें ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर आपका किसी पोस्ट के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट वॉयवुडशिप ऑफिस में नहीं भेजते, दे डायरेक्टली शेयर द प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट वाया ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू कर देते हैं। जैसे जीमेल आपका होता है वैसे ईमेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपका वर्क परमिट फाइल करते हैं वो लोग वहाँ पर वॉयवुडशिप ऑफिस में। जैसे 8 से 12 महीने, अब 8 से 12 हफ्ते का टाइम लगता है, 2 महीने में भी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाले में, 2 महीने में भी आ जाता है, 3 महीने के अंदर भी आ जाता है। जैसे आपका वर्क परमिट कंपनी में जैसे आप जो वॉयवुडशिप ऑफिस है वहाँ जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद वो एम्प्लॉयर को वाया ईमेल ही भेजता है, पोस्ट नहीं करता, डिलीवरी नहीं करता, फिजिकल फॉर्म में कोई आपका जैसे एक डाक जैसे आपको बोलूँ पोस्ट नहीं करता, आपका जो वॉयवुडशिप ऑफिस वाले हैं जैसे आपका वर्क परमिट रेडी हो जाता है तो वो वाया ईमेल वो उसको भेज देते हैं। और थोड़ा ईजी प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इंडिया में भी आप देखें, अगर वो ईमेल करके आपको दे दें, और इसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो फिर जैसे ही आपके एम्प्लॉयर पर आता है तो एम्प्लॉयर आपको क्या करता है, आपके जो कंसल्टेंट है उसको भेज देता है, कंसल्टेंट फिर आपको शेयर कर देता है वाया ईमेल कर देता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप ईमेल पे भी आया तो आप उसका प्रिंटआउट, कलर प्रिंटआउट निकाल के सबमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मोड होता है, जो 2023 के नए रूल्स आए थे उसमें पूरा गाइडलाइंस वगैरह हैं। और दो तरीके से आपका फाइल होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होगा उसमें ऐसा होगा कि स्टैंप वगैरह नहीं होती आपकी, और उसके नीचे आपका मेंशन भी किया होगा दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड वर्क परमिट, नो नीड ऑफ दिस स्टैम्प एंड ऑल, आप देखें इसमें। और एक साल से तीन साल के अंदर का आपका वर्क परमिट आपको मिलता है। तो ये तो मैंने आपको 3 मीडियम बताए, एक तो सीजनल वर्क परमिट के लिए आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, सीजनल वर्क परमिट आपका 9 महीने के लिए वैलिड रहेगा, और इसके अलावा आपका जो वर्क परमिट नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड से फाइल होता है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, 8 से 12 वीक लग जाते हैं 2 से 3 महीने के बाद। जैसे ही आपके एम्प्लॉयर पर आता है तो फिर वहाँ से वो लोग आपको वाया पोस्ट भेजते हैं इंडिया में, तो इसमें 8 से 12 हफ्ते का टाइम लग जाता है जो 2 से 3 महीने का। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक काम होता है तो थोड़ा फास्टर प्रोसेस हो जाता है। अभी वाले टाइम पर तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अपना वर्क परमिट फाइल कर रहे हैं, और अभी तो खैर अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दूँ तो वर्क परमिट पोलैंड का लेने की कोई अभी फ़ायदा है नहीं। इसके अलावा रादर देन अप्लाइंग फॉर पोलैंड यू कैन गो टू सम अदर लोकेशन, जहाँ पर देखें वीज़ा रेशियो क्या है। और अभी के बाद में आर्मेनिया हो गया, जैसे मैं आपको बताया रोमेनिया होगा जो अदर लोकेशन है, वहाँ के वीज़ा के बारे में भी आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके पूरे एंटायर प्रोसेस के बारे में। अभी पोलैंड के अप्लाई भी करेंगे तो कुछ फ़ायदा है नहीं, और अभी देखें आप अभी अपॉइंटमेंट मिलना तो खैर मैनुअल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर लॉगिन कर सकते हैं तो यू कैन लॉगिन और देखें इसके बाद क्या होता है, अगर मिल जाए तो सही है। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट अगर किसी को भी मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि जो और लोग भी देख रहे हैं तो उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो मेरे से पूछ रहा था सर 80,000 रुपये का भी पोलैंड का अपॉइंटमेंट लेना फ़ायदे वाला काम है या नहीं है, तो दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, 80,000 रुपये इसमें मत लगाओ। 80 के बाद 1,20,000-1,30,000 रुपये आपका पूरा लग जाएगा, तो इससे बचने के लिए आप ऐसा करें कहीं और पे अप्लाई कर दें, आप कहीं और का फाइल कर लें जहाँ पे देखें सक्सेस रेशियो वगैरह सही चल रहा है, पूरा रिसर्च वगैरह करें। पोलैंड में 1.5 लाख रुपये लगाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी रिजेक्शन आएगा ही आएगा। 1.5 लाख रुपये, 1 लाख का तो अभी आपका वो कपड़े खत्म हो गया, बाकी 1.5 लाख रुपये बचाना चाहते हो तो अभी बचा लें, अदरवाइज फिर आप पे डिपेंड करता है पूरा आपके डिसीजन पे।
इट इज़ अ रिस्क, अगर ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, 1 से 1.5 साल के अंदर का क्या सिनेरियो है। अभी इंडिया में अप्लाई करोगे तो भी 1 से 1.5 लाख रुपये का आपका घाटा ही होने वाला है। फिर भी अगर किसी को मैनुअल मिल जाता है तो, अगर जैसे किसी के पास वर्क परमिट आ गया है और उसके बाद अगर वो अपॉइंटमेंट चेक कर रहा और उसको खुद ही 800-900 रुपये में मैनुअल मिल जाता है, तो फिर आप फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज डू नॉट वेस्ट 80-85 थाउजेंड जस्ट टू गेट अपॉइंटमेंट। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड।